आप लोग से भाई एक गुजारिश है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग अपना अनुभव मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो कि आप लोग किस ऑफिस से गए हो, क्या वो ऑफिस लोगों के साथ फ्रॉड करता है कि नहीं करता है, कौन सा ऑफिस अच्छा है कि लोग वहां से जाएं और वो जाके गल्फ में फंसे ना दोस्तों। अगर आप अस्सलाम वालेकुम नमस्कार, आप लोगों को मालूम होगा कि मैं अभी ओमान में जॉब करता हूं और मैं लोगों को ये बताता हूं कि कौन सा ऑफिस अच्छा है, कौन सा ऑफिस लोगों के साथ फ्रॉड करता है। तो मैं दो चार दिन पहले एक वीडियो अपने चैनल पे डाला था फैजान चौधरी के नाम पे, जो उनका यूट्यूब चैनल का नाम है गल्फ वैकेंसी, ठीक है दोस्तों। तो वो अपने चैनल पे लोगों को फीडबैक वीडियो कल अपलोड किए थे ये बताने के लिए कि मेरा ऑफिस लोगों को साथ फ्रॉड नहीं करता है, और वो एक भाई का अपने बहुत लोग का फीडबैक अपने वीडियो में वो दिखाए हैं। तो मैं उन भाई लोग से बोलना चाहता हूँ कि जो लोग अभी नए नए ऑफिस से काम करा के और अपना एयरपोर्ट पर ही फीडबैक दे देते हैं कि ये ऑफिस बहुत अच्छा है, ये लोगों को साथ फ्रॉड नहीं करता है, फैजान भाई बहुत अच्छे हैं, तो मैं उन लोगों को लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग किसी भी ऑफिस से जाइए, पहले आप लोग गल्फ में जाइए, एक डेढ़ महीना काम कीजिए, फिर आप लोग अपना अनुभव अपने ऑफिस वालों को बता सकते हो। आप लोग अभी नए नए काम कराए हो और जस्ट एयरपोर्ट पर जाते हो और अपना फीडबैक वीडियो बना के अपने ऑफिस वालों को भेज देते हो, एक गलत बात है भाई, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम कि आपको सप्लाई में भेजा जा रहा है कि अपने किसी कंपनी में भेजा जा रहा है या किसी कपिल के पास भेजा जाता है, आपको कुछ नहीं मालूम रहता है, इसलिए आप लोग ऐसा काम ना करो भाई लोग, ठीक है। एक भाई फैजान भाई इसके ऑफिस से गए थे और वो अपना फीडबैक दिए हैं, आप लोग भी सुन सकते हो। गल्फ कंट्री कोई भी अरबी कंट्री में काम कराना है तो उनका चैनल है कि यूट्यूब पर गल्फ वैकेंसी करके, प्लीज उनसे जो है कांटेक्ट कीजिए और अपना काम कराइए, काम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से काम करा देते हैं। आज हमारा फ्लाइट है रियाद के लिए, हम जा रहे हैं अभी ओमान, ओमान से जाएंगे रियाद, ये हमारा बोर्डिंग पास है, 4:15 में आज जो है आज हमारा फ्लाइट होगा। ये आप लोग वीडियो देखें दोस्तों, ऐसा गलती आप लोग ना करो, आप लोग किसी भी ऑफिस से जाइए, आप लोग तुरंत फीडबैक वीडियो बनाकर ना भेजिए, आप लोग जाइए डेढ़ दो महीना काम कीजिए, फिर अपना अनुभव अपने ऑफिस वाले का या अपने दोस्त को आप लोग बता सकते हो कि ये ऑफिस अच्छा है, ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ फैजान चौधरी से कि भाई आप कल वीडियो एक डाले थे सऊदी अरबिया के लिए और इसमें इलेक्ट्रीशियन सिटी कंपनी है सऊदी में और आप इसमें सैलरी बोले हैं 90,000 सैलरी मिलेगा, मतलब महीने पे आप अपने थंबनेल में ये लिखे हैं और आप ही अपने वीडियो में ये बोल रहे हैं, आप लोग पहले ये वीडियो सुन लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का जो काम करते हैं, मीटर वोटर जो चेंज करते हैं, तो वही लोग जो है ना, मतलब उनके साथ में कारीगर के साथ में रहना है, कुछ पकड़ना धरना है, इसके अंदर जब आदमी साल डेढ़ साल जब काम करता है ना तो काम इनको मालूम हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में जो कंपनी सैलरी लगाया है 1,000 सैलरी बेसिक प्लस 200-1200 सैलरी दे रहा है, ड्यूटी 12 घंटा है, और आप ही खुद बोल रहे हैं कि इसमें आपको लेबर का काम मिलेगा और आपका सैलरी जो मिलेगा वो 1,000 प्लस 200 रुपया मतलब 1200 रुपया मिलेगा 12 घंटा का, और इसमें ओवर टाइम भी मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई 12 घंटा के बाद कौन ओवर टाइम करता है भाई, कि 12 घंटा में तो लोग बंदा खट 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 के ये सोचता है कि कब छुट्टी हो कि कंपनी रूम पे जाकर बंदा आराम करे, और आप बोल रहे हो कि 1200 रियाल मिलेगा 12 घंटा का, तो इसमें कहाँ ओवर टाइम मिलेगा भाई, और आप बोले 90,000 सैलरी मिलेगा थंबनेल में, तो 1200 रियाल का 90,000 रुपया कैसे मिलेगा, आप ही बताइए मेरे को। और एक भाई इनके वीडियो पे कमेंट किए थे, फैजान चौधरी हर अपने वीडियो में ये बोलते हैं कि ये मेरा ऑफिस का नंबर है, इसमें आपको कोई भी एडवांस नहीं देना है, आप पहले फोन
कीजिए, कॉल कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट पूरा भेज दीजिए, आपको एक रुपया एडवांस नहीं देना है। तो एक मेरे भाई इनके ऑफिस पे कॉल किए थे, तो ऑफिस वाले ये बोली कि आपको आधा पैसा देना होगा पहले, और आधा जो पैसा बचेगा वो आपका काम होने के बाद देना होगा। आप लोग कमेंट में देख सकते हो, ये जो भाई कमेंट किए हैं ये बोलते हैं, आप कहते हो कोई पेमेंट एडवांस नहीं देना है, जब ऑफिस में फोन करो तो वो बोलती है कि आधा पेमेंट पहले देना है। मैं जाने वाला था आपके ऑफिस के जरिए, लेकिन जब ऑफिस से बोलती है कि आधा पेमेंट पहले देना होगा तभी हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग किसी भी ऑफिस से जाइए, पहले उसके बारे में पूरा जान लीजिए, तभी किसी भी ऑफिस के पास जाके अपना काम कराइए। इनके द्वारा बंदा भेजा गया सऊदी अरबिया में, अभी जाके वो सप्लायर कंपनी में फंस गए हैं। मैं 2-4 दिन पहले वीडियो बना चुका हूँ, और आप लोग से भाई एक गुजारिश है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग अपना अनुभव मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो कि आप लोग किस ऑफिस से गए हो, क्या वो ऑफिस लोगों के साथ फ्रॉड करता है कि नहीं करता है, कौन सा ऑफिस अच्छा है कि लोग वहां से जाएं और वो जाके गल्फ में फंसे ना। दोस्तों अगर आप लोग फंस गए हो तो आप लोग भी अपना वीडियो या मेरे मैसेज पे, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि ये ऑफिस बहुत अच्छा है और ये ऑफिस लोगों को साथ फ्रॉड करता है दोस्तों, ठीक है। और भाई आप लोग से मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए कि मेरे को भी थोड़ा हिम्मत बढ़े कि चलो मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं और मेरे को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये लोग ऑफिस वाले मेरे व्हाट्सएप पर मेरे से कॉल पे ये लोग बोलते रहते हैं कि तू मेरे खिलाफ़ वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैं भाई जो ऑफिस वाले लोगों को साथ फ्रॉड करेगा मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाता ही रहूँगा, ठीक है। मैं आप लोग से यही विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और आप लोग को कुछ जानना है ओमान के बारे में, गल्फ के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।